पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और यूक्रेन के पड़ोस में एक और जंग छिड़ने की नौबत आ गई। दावा किया गया कि पोलैंड और बेलारूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच पोलैंड ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि पोलैंड पर बेलारूस के हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पोलैंड ने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि बेलारूस के कई सैन्य हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि बेलारूस की सेना ने पोलैंड बॉर्डर पर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड यह भी चेतावनी देता आया है कि जून में पुतिन के खिलाफ नाकाम विद्रोह करने के बाद बेलारूस पहुंचे वैगनर ग्रुप के लड़ाके किसी भी वक्त उसके इलाकों में दाखिल हो सकते हैं। यानी यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड पर बेलारूस से डबल अटैक का खतरा मंडराने लगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पोलैंड ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज दिए, ताकि बेलारूस के सैनिकों के साथ साथ वैगनर ग्रुप के खतरे से एक साथ निपटा जा सके। इस बीच अमेरिका के मिशिगन से प्लेन हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक एयर शो के दौरान एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसका खौफ से भर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो प्लेन आसमान में उड़ान भरते ही हादसे का शिकार होता दिखा और इस दौरान वो आग की लपटों में घिर गया, जिसमें जलकर प्लेन का ज्यादातर हिस्सा राख हो गया। और जैसे ही वो प्लेन क्रैश हुआ, वहां धमाके की जोरदार आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद वहां आसमान में कई फीट ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। जिसने भी वो मंजर देखा वो सहम गया। हालांकि हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां की रेस्क्यू टीम ने आग को बुझा दिया। बताया गया कि जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो रूस का MiG-23 था। गनीमत यह रही कि प्लेन में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक साथ 30 से ज्यादा लुटेरों ने एक स्टोर पर धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस दौरान करोड़ों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहां की पुलिस ने घटना का हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें 30 से ज्यादा बदमाश दुकान में घुसकर लूटपाट करते दिखाई दिए। काले कपड़े पहने उन बदमाशों के हाथ में जो भी सामान लगा वो उसे अपने साथ ले गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उन बदमाशों के बीच सामान लूटने की होड़ मची हुई थी। इस बीच वहां से भागने के दौरान कुछ बदमाश तो गिर भी गए, लेकिन वो अपने साथ सामान ले जाना नहीं भूले। पुलिस के मुताबिक लूटपाट की वारदात दिन दहाड़े अंजाम दी गई, जिसमें बदमाश $3,00,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.5 करोड़ का सामान लेकर फरार हो गए। इधर मुंबई के पास कसारा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन से उतरते वक्त RPF के एक जवान का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो ट्रेन के डिब्बे के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो RPF जवान ट्रेन के डिब्बों के नीचे जाता दिखा। कसारा रेलवे स्टेशन से जो वीडियो सामने आया, उसमें एक आदमी टोकरी लेकर चलती ट्रेन से उतरता दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद RPF का वो जवान भी ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर प्लेटफॉर्म पर रखा उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गया और देखते ही देखते वो ट्रेन के डिब्बों के नीचे आ गया। इस हादसे से वहां हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग उसे बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस हादसे में उस जवान की मौत हो गई।